सेफी ऑनलाइन क्लासेस, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को आर्टिकल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, चूंकि जो आर्टिकल का टॉपिक होता है वो नाउन से रिलेटेड होता है, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा कि आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे तीन वर्ड हैं ए एन और द, इनको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन डेफिनेट आर्टिकल, और एक नंबर वन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और नंबर टू होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत स्टूडेंट आपके दो वर्ड आते हैं, एक तो ए आता है और एक आपका एन आता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है, इसको ध्यान देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। अगर स्टूडेंट ये कहा गया कि आई मेट ए बॉय, कि मैं एक लड़के से मिला, तो ए और एन आर्टिकल का मतलब होता है मैं किसी लड़के से मिला। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अननोन पर्सन, हम किसी अपरिचित व्यक्ति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आई मेट अ बॉय, यानी केवल स्पीकर ही जानता है मैं किसी लड़के से मिला। इसका मतलब मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं किसी लड़के से मिला, आपको नहीं पता है उसके बारे में। ए का मतलब यहां पर अननोन से लिया जाएगा, केवल स्पीकर ही जानता है, लिसनर नहीं जानता, क्योंकि मैं मिला हूं तो मैं तो उसको जान गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। अगर ये सेंटेंस को हम इस तरीके से कहें कि आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला, मैं एक लड़के से मिला, इसका मतलब द लगने से यहां पर इसका मीनिंग हो गया कि मैं एक लड़के से मिला। इसका मतलब मैं एक परिचित लड़के से मिला या मैं उस लड़के से मिला, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि उस लड़के को स्पीकर भी जानता है और उस लड़के को लिसनर भी जानता है। मैंने आपसे कहा कि आई मेट द बॉय, हाँ भाई मैं उस लड़के से मिला, इसका मतलब यह हुआ कि वो हम दोनों उस लड़के के बारे में जानते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे कहा, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कई लोग इस THE, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है THE, ध्यान दीजिएगा THE का जो उच्चारण होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कई लोग इसको दा बोलते हैं और कई लोग इसको ती बोलते हैं। तो हम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे, कहां पे हम इसको दा प्रोनाउंस करेंगे, कहां पे हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आज ये टॉपिक के माध्यम से आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैंने कहा आपसे दा, जब भी कोई, एक बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उससे पहले अगर आप ये वाला वर्ड लगाएंगे, अर्थात ये वाला आर्टिकल आप यूज करेंगे THE, तो इसको द प्रोनाउंस किया जाएगा, द। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहां पे देखा द बॉय, तो यहां पे इसको द प्रोनाउंस किया गया। द प्रोनाउंस क्यों किया गया, क्योंकि जो बॉय वर्ड है वो बी क्या है, आपका वोवल तो नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसकी जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट से हुई है। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले प्रत्येक शब्द के पहले जब THE प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो दा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, मैंने यहां पे कहा जब कोई वर्ड हमारा वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है तो हम फिर इस वर्ड को यहां पे डी प्रोनाउंस करते हैं। स्टूडेंट ए फॉर एप्पल, एप्पल, तो यहां पे ए क्या है, ए आपका वॉवल है। मान लीजिए स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है द ऑक्स, अगर मैं यहां पे द ऑक्स बोल दूंगा स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर मैंने आपको यहां पे इसके प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे द ऑक्स बोल दिया तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ वॉवल है। वॉवल होने के कारण मैं इसका उच्चारण द नहीं कर सकता, मैं यहां पर इसका उच्चारण करूंगा डी ऑक्स। ऑलराइट, तो दिस विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड दिस विल बी द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो याद रखेंगे आप कि द और डी में अंतर क्या होता है, मैं शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहूंगा आपको। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले प्रत्येक शब्द के पहले द प्रोनाउंस किया जाता है, वॉवल शब्द से शुरू होने वाले तमाम शब्दों के साथ में डी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, अर्थात उसको
डी उच्चारण किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, इसी क्रम में हम इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं।